बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है स्वेज नगर। इसका नाम आपने बचपन से कई बार सुना होगा, लेकिन आज इसका थोड़े से हम डिटेल पढ़ेंगे। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक नहर है। अधिकांश व्यापारी इसी नहर से होता है और इसीलिए इसको वृहत व्यापारिक महत्व का भी बोलते हैं। ये भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य स्थित है। आपने अफ्रीका का नाम सुना होगा। उसके उत्तर में यदि हम जाते हैं तो उत्तर है भूमध्य सागर स्थित है। ये भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य स्थित है और दोनों को जोड़ती है। इस नहर की खुदाई 1859 में एलेक्जेंड्रिया में स्थित फ्रांसीसी दूतावास इंजीनियर फर्डिनेंट डी लेसेप्स के निर्देशन में आरंभ हुई थी। कब हुई थी? 1859 में फर्डिनेंट डी लेसेप्स के निर्देशन में। नहर का निर्माण 10 वर्ष में पूरा हो गया और 1869 में नहर जलयानों का आना जाना आरंभ हो गया। 10 वर्ष में इसका काम पूरा हुआ और जलयानों का आना जाना आरंभ हुआ। स्वेज नहर की लंबाई 162 किलोमीटर है, औसत चौड़ाई 60 किलोमीटर और गहराई 10 मीटर है। स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सहित दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज स्थित है। इन दोनों पत्तनों के मध्य तीन झीलें स्थित है। कितने झीलें स्थित है? तीन झीलें, जिनके बीच के स्थल को काटकर उन्हें परस्पर मिला दिया गया है। सबसे उत्तर में भूमध्य सागर में संलग्न मेनजाला झील है। भूमध्य सागर से जो जुड़ी हुई है वो कौन सी है? मेनजाला झील। इसके उत्तरी तट पर सईद स्थित है। इसके दक्षिण में लंबाकार ग्रेट पीटर और लिटिल पीटर झीलें हैं जो लाल सागर के निकट है। लाल सागर के निकट कौन कौन सी है? ग्रेट पीटर, लिटिल पीटर। पोर्ट सईद के दक्षिण में मेनजाला झील को पार करती हुई यह नहर अलकंतारा, अलफिदान और इस्लामिया पोताशर से होती हुई पहले ग्रेट पीटर झील और फिर लिटिल पीटर झील में प्रवेश करती है और अंततः लाल सागर में मिल जाती है। स्वेज नहर में जल को नियंत्रित करने हेतु किसी फाटक या लॉक लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों बीटर झीलों में पर्याप्त स्थान होने से यहाँ लंगर डालकर जलयानों को ठहराने की भी सुविधा है। कौन कौन सी बीटर थी? ग्रेट बीटर और लिटिल बीटर। ठीक है, स्वेज नहर का महत्व। स्वेज नहर के बनने से यूरोप और एशिया के सुदूर पूर्व के देशों के मध्य होने वाले समुद्री परिवहन में समय, ईंधन व दूरी की बचत हुई है। क्या हुआ? जब स्वेज नहर के बनने से यूरोप और एशिया, कहाँ, किस किस में? यूरोप और एशिया के देशों के मध्य होने वाले जो समुद्री परिवहन में थे उसमें समय, ईंधन और दूरी की बचत हुई है, क्योंकि हमने स्वेज नहर से मार्ग बना लिया है। शांति व युद्ध दोनों समयों में स्वेज नहर का विशेष महत्व है। इस नहर से एक दिन में 25 जहाज आ जा सकते हैं। एक दिन में कितने? 25। चौड़ाई कम होने के कारण दो जहाज एक साथ नहीं निकल सकते। ये सकड़ी है, चौड़ाई कम है, इसलिए एक साथ दो जहाज नहीं निकल पाते हैं। इस नहर को पार करने में 12 घंटे का समय लगता है। इस नहर की सुरक्षा का दायित्व मिस्र देश पर है। मिस्र देश की सरकार को सौंपा गया है। हम देख रहे हैं मैप में लाल सागर, ये देखिए मैप में लाल सागर है। मैप में लाल सागर है और ऊपर है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, हाँ भूमध्य सागर देखिए, पोर्ट सही दिख रहा है आपको, एलेक्जेंड्रिया, कारी कैरो, ठीक है,
इज़राइल, जेलुसरम, जेल सब दिखाई दे रहे हैं। ये बीच में स्वेज नहर है, ऊपर भूमध्य सागर है और नीचे लाल सागर है, ठीक है। तो ये कहाँ है? अफ्रीका के भाग में, साइड में देख, मैप में देखो आप कि भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने का काम स्वेज नहर करती है। इस नहर से ऊपर प्रतिवर्ष लगभग 12,000 जहाज गुजरते हैं। इसके एक तिहाई जहाज अकेले ग्रेट ब्रिटेन के होते हैं, इसलिए स्वेज नहर को ब्रिटिश सरकार की जीवन रेखा कहते हैं। स्वेज नहर द्वारा व्यापार। स्वेज नहर पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों और एशिया तथा पूर्वी अफ्रीका के कृषि प्रधान क्षेत्रों को जोड़ती है। किस किस चीज़ को जोड़ रही है? पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र, एशिया और पूर्वी अफ्रीका के कृषि प्रधान क्षेत्र, ठीक है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका, एशिया और पूर्वी अफ्रीका। एशियाई और पूर्वी अफ्रीकी देशों से अधिकांशतः औद्योगिक कच्चे माल, सूती वस्त्र, जूट के सामान, कृषि उपजे, गर्म मसाले, चीनी, चाय, कहवा आदि यूरोपीय देशों को स्वेज मार्ग से ही भेजे जाते हैं। और यूरोप से आने वाली वस्तुओं में इस्पात, मशीनें, वैज्ञानिक उपकरण, मोटर गाड़ियाँ, रेल के सामान, उर्वरक, दवाएं, अन्य रासायनिक पदार्थ प्रमुख है। ऑस्ट्रेलिया से गेहूँ, ऊन, मांस, सोना और न्यूजीलैंड से ऊन तथा दुग्ध निर्मित पदार्थों का निर्यात यूरोपीय देशों को स्वेज मार्ग से होता है। पश्चिमी एशिया के पेट्रोलियम उत्पादक देशों से तेल के टैंकर जल यानों द्वारा स्वेज मार्ग से यूरोप और उत्तरी अमेरिका को भेजे जाते हैं। इसका व्यापार का मार्ग है कि कौन कौन से सामान के कौन से देश से, कौन से महाद्वीप से कहाँ तक जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार इसका व्यापार होता है। मैप में आप ठीक से इसे देख चुके हैं। ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।